मीरा रोड के अब्दुल खान को लगा गूगल में नौकरी, सालाना होगी 1.2 करोड़ की पैकेज। मीरा रोड के श्री एल आर तिवारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ने वाले खान अब्दुल्ला मोहम्मद असलम इस 21 वर्षीय लड़के की निवृत्ति गूगल में हो गई है। अब्दुल्ला को सालाना 1.2 करोड़ का पैकेज मिलने वाला है और वो लंदन के गूगल ऑफिस में करेगा काम। मीरा रोड के नया नगर में रहने वाला यह है खान अब्दुल्ला मोहम्मद असलम। अब्दुल्ला मीरा रोड के ही एल आर तिवारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के विद्यार्थी है। इस साल अब्दुल्ला बीई इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर का छात्र है। खान अब्दुल्ला मोहम्मद असलम की निवृत्ति गूगल में हुई है। अब्दुल्ला की उम्र केवल 21 साल है। एक साधारण परिवार के खान अब्दुल्ला मोहम्मद असलम 2015 में मीरा रोड के श्री एल आर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। 2019 में वो फाइनल ईयर में था। अब्दुल्ला ने गूगल में अप्लाई किया था। नवंबर में उन्हें मेल आया और उन्होंने 2 बार ऑनलाइन एग्जाम दिया। उसके बाद मार्च में गूगल ने उन्हें बुला लिया। वहां 5 राउंड एग्जाम में उन्हें बैठने के बाद उनकी निवृत्ति 1.2 करोड़ रुपए पैकेज पर 4 साल के लिए कर दी गई है। खान अब्दुल्ला मोहम्मद असलम की गूगल निवृत्ति होने के कारण श्री एल आर तिवारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के चेयरमैन ललन तिवारी ने उनका सत्कार किया और साथ ही शिक्षक शिक्षिका और दोस्तों ने अब्दुल्ला को बधाई दी। नवीन को धन्यवाद अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमारे बाई ट्रेनिंग के लिए आए। ये बच्चा जब हमारे एडमिशन लिया शुरू से मेहनती था, प्रोफेसर लोग को कोऑपरेट करना, लास्ट टाइम तक काम करना, रिसर्च करना, हम लोग को लगता था कि क्यों रात को बैठता है, क्यों ना दिन कॉलेज में बैठ कर काम करता है। लेकिन अब समय में आया कि इसकी जो मेहनत थी रात को 9-10 बजे बैठ कर कॉलेज में काम करना, रिसर्च करना, अभी रंग लाई है करके। और हिंदुस्तान का पहला बच्चा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का है जो गूगल में सेलेक्ट हुआ है। अभी तक IIT के ही बच्चे गूगल में सेलेक्ट होते थे। ये पहला हिंदुस्तान के इतिहास में प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का पहला बच्चा है जिसका सिलेक्शन हुआ है गूगल का। ये देश ही नहीं पूरी दुनिया में ALR तिवारी इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम रोशन किया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर अपने हम तो कहेंगे कि हमारे जो टीम है, प्रिंसिपल और जो हमारे HOD और टीचर्स, ये उनकी मेहनत का फल है। हम तो चेयरमैन से सब उपलब्धि मुझे मिलती है, लेकिन एक्चुअल उपलब्धि के हकदार हमारे स्टाफ है जिनकी मेहनत बहुत बच्चा यहाँ पहुँचा है। और जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए आपके द्वारा क्या संदेश है? मैं यही कहूँगा कि अब्दुल्ला से प्रेरणा ले, अब्दुल्ला की तरह अब्दुल्ला बने, तभी जाके सार्थक हमारा एजुकेशन भी सार्थक होगा। कि बच्चों को ये एजुकेशन दे रहे हैं उसका महत्व तब मेरे समझ में आएगा, और आज महत्व समझ आ रहा है कि हमने इसको चालू किया, उसकी महत्व आज मुझे मिल रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। और मैं अब्दुल्ला को बधाई देता हूँ और TV9 को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर हमारे बच्चे का इंटरव्यू लेने में इंटरव्यू लिया है। धन्यवाद। आई सी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, 2 years ही इज़ इंटरेस्टेड इन कोडिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स। आई अप्रिशिएट फॉर हिज अचीवमेंट एंड एस्पेशली आई ऑल्सो congratulate and compliment my computer engineering staff. So other students also follow his hard work, push up and logic for the development of the coding system. अब्दुल्ला के बारे में पहले तो ये कहूँगी कि ही वॉज ब्रिलियंट फ्रॉम द डे ही हैज़ एंटर्ड टू द कॉलेज। सेकेंड ईयर से उसका मोटिवेशन और उसका जो डेडिकेशन था वो टुवर्ड्स कोडिंग ही ज़्यादा करके था, एंड वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता भी था क्लास में, क्योंकि लास्ट में जैसे थोड़ा फ्री सेशन मिल जाता था तो वो कंटिन्यूएशन दी वो उस काम में कर। थर्ड ईयर के टाइम में मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस करके सब्जेक्ट पढ़ाया था। ड्यूरिंग दैट सब्जेक्ट प्रैक्टिकल जब हो जाता था बच्चों का तो बाकी बच्चे बातें करना स्टार्ट करते, बट अब्दुल्ला एक ऐसा स्टूडेंट था जो सिर्फ बोलता था मैम क्या मैं मेरा काम कर सकता हूँ, और जब मैं उसका काम देखती तो वो या तो कोई कोड पे प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे काम कर रहा होता या तो वो खुद का कुछ कोडिंग करता था। सो वो अपने फ्री टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए एक स्टूडेंट को, वो एक हमारे सामने एक आदर है कि एवरी स्टूडेंट शुड लर्न हाउ टू यूटिलाइज देयर time instead of wasting in WhatsApp and chatting and doing all those things. So truly he has what he deserved, he has got it.
जरूर जरूर, उसका हर लैब सेशन में अगर कहा जाए, अगर कोई बच्चा कोडिंग नहीं कर रहा है बट प्रॉब्लम स्टेटमेंट देने के बाद अब्दुल्ला ऐसा स्टूडेंट होता है जो पहले कोड रेडी रहता था उसका टाइप करके, तो वो पहला ऐसा स्टूडेंट था जो एग्जीक्यूशन करके कोड दिखा के और फिर अपना काम करने बैठता था, तो उस हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ही वॉज अ डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दैट थिंग।